किसी ने कहा कि ये तो सिर्फ बॉबी है, किसी ने कहा ये है मिसेज राजेश खन्ना, पर इनकी अलग पहचान बनी। पूरा नाम इनका डिंपल चुनीभाई कपाड़िया, जन्म 8 जून सन 1957 में हुआ। मैं जब चमकती हूँ तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, कड़कती हूँ तो कान बंद कर लेते हैं, सर पर गिरती हूँ तो दिल थाम लेते हैं। हाँ, ये अपने माँ बाप की सबसे बड़ी संतान है। 4 बच्चों में ये सबसे पहले नंबर पे आती हैं। इनके पिता चुनीभाई कपाड़िया एक बिजनेसमैन रहे। बाबूजी, मेरा नाम बिजली है, मैं चंदनपुर के रहने वाली हूँ। मैं शहर में मोहन को ढूंढने के लिए आई हूँ। मेरे पास मोहन का पता नहीं है, मगर उसकी तस्वीर है। इनकी एक बहन का नाम रहा सिंपल कपाड़िया, दूसरी रही रीम और तीसरे रहे भाई जिनका नाम रखा मुन्ना। परिवार मुंबई के ही सेंटा क्रूज इलाके में रहा करता था और डिंपल की पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल में। इनके पिता एक नामी गिरामी आदमी थे, जिसकी वजह से इनकी परवरिश भी खूब जबरदस्त तरीके से हुई। तेरी इसी अदा ने तो हमें दीवाना कर दिया शुरू था। फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे और जब राज कपूर साहब फिल्म बॉबी के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे, तब अक्सर डिंपल कपाड़िया अपने मन में कहा करती थी, बॉबी का रोल तो मुझे ही मिलेगा। और ठीक वैसा हुआ भी। डिंपल कपाड़िया को नरगिस जी की फिल्में दिखाई गईं और कहा गया कि इस तरह की इनोसेंस चाहिए स्क्रीन पर। और 15.5 साल की उम्र में डिंपल कपाड़िया ने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो कोई अभिनेत्री करने की सोच भी नहीं सकती। वो और बात है कि उसके साथ राज कपूर जैसा शोमैन भी होना जरूरी है। तुम सच कहती हो? राज कपूर की बॉबी ने हंगामा मचा दिया। मेरा नाम जोकर के बाद यह राज कपूर का जवाब था। ऋषि कपूर और डिंपल की जोड़ी ऐसी जमी कि लव स्टोरीज की बाढ़ ही आ गई। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, तुमने अपनी पैरवी इतनी अच्छी की। अगर अपने मुकदमों की पैरवी इतनी अच्छी करते तो पता नहीं कितने केस जीत चुके होते। पर इससे पहले बॉबी रिलीज होती, डिंपल कपाड़िया एक अलग ही यात्रा पे चली गईं। राजेश खन्ना साहब उस जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। ऊपर आका और नीचे काका की कहावतें चल रही थी और उनकी प्रेमिका अंजू महेंद्रू इनसे अलग ही हुई थी और राजेश खन्ना के जीवन में आ गई 15.5 साल की लड़की नाम डिंपल। राजेश खन्ना साहब और डिंपल कपाड़िया ने शादी की। दोनों की उम्रों में काफी फासला था और शादी के बाद डिंपल कपाड़िया एक्टिंग से दूर हो गईं। बल्कि फिल्म बॉबी के रिलीज के पहले ही इनकी शादी हो गई थी और ये गृहस्थ आश्रम के अंदर अगली सीढ़ी चढ़ रही थी। डिंपल कपाड़िया तकरीबन 12 बरस एक्टिंग से दूर रहीं। इन 12 बरसों में इनके 2 बच्चे भी हुए, बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना और छोटी बेटी रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना साहब का करियर एकदम ऊंचाई पे जाकर लुढ़कने लगा था। इसे आज देखा नहीं जाता, मैं तो घबरा गया हूं ये गरीबी देखकर। पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही थीं। आए दिन फिल्मी मैगजीन्स में ये खबरें रहतीं कि ये दोनों अलग हो गए हैं, ये दोनों साथ आ गए हैं, डिंपल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया है या फिर वापस लौट कर आ गई हैं राजेश खन्ना के पास। और फिर वो लम्हा आया जब डिंपल कपाड़िया काकाजी से दूर हुई और रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में ये नजर आई। इस फिल्म में इन्होंने ऐसा कमबैक किया कि कमाल ही हो गया। एक बार फिर इनके हीरो ऋषि कपूर ही थे। स्विमिंग कॉस्ट्यूम के सीन्स थे, बीच के पास समंदर किनारे के बड़े ही सेंसुअल सीन्स थे, इनकी पहनी हुई लाल साड़ी कौन भूल सकता है, और फिल्म सागर का संगीत भी कमाल कर रहा था। उसके बाद तो इन्होंने और भी फिल्मों में काम किया। आपकी आंखें हवस में बंद कर रखी है सीएम साहब, आपके लिए औरत सिर्फ एक जिस्म है और कुछ भी नहीं। आपने जिस्म की हदों के पार कभी झांक कर देखा ही नहीं। आप अपने आप को इस देश का नेता कहते हैं, अरे आपसे तो वो कल का लड़का संजय कहीं महान है। काश मेरी आपसे शादी ना हुई होती, काश मेरी जिंदगी में ऐसा आदमी पहले आया होता। फिरोज खान साहब ने इन्हें अपनी फिल्म में लिया और ये भी कहा कि डिंपल के अंदर बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरह से निकल कर आता है। इस जूते को पहचानते हो भूरे लाल? पहचानो इस जूते को, ये वही जूता है जो मैं हकीम चाचा के लिए लाई। अब केस में नई कील भी लगा दी है ताकि ये जल्दी घिसे ना। महेश भट्ट साहब की फिल्म काश में भी डिंपल कपाड़िया नजर आई थी, जिसकी कहानी में एक नाच चलने वाली शादी थी। फिल्म काश में भी डिंपल का अभिनय देखते ही बनता था। मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे पूरा अधिकार है जानने का कि मेरे बिस्तर में मेरी जगह पर कौन सो रहा है।
कहां सन 73 में ये मां बन गई थी और उसके बाद सन 82 में इन्होंने कमबैक करके सबको चौंका दिया। जाने दो ना, बच्चे हैं। अफसोस तो ये है कि अपनी उम्र से पहले बड़े हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। ये बात भी गौर करने लायक है कि डिंपल कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना दोनों साथ नजर आते। फिल्म का नाम था जय शिव शंकर, लेकिन कुछ वक्त की शूटिंग के बाद इस फिल्म को डिब्बे में बंद करना पड़ा। डिंपल कपाड़िया की र अक्षर से ऐसी दोस्ती है कि इसे देख सभी को हैरानी होती है। इनके पहले हीरो ऋषि कपूर, पहले डायरेक्टर राज कपूर, हस्बैंड राजेश खन्ना और जिस डायरेक्टर के साथ कमबैक किया उनका नाम रमेश सिप्पी, और दामाद राजीव भाटिया जिसे सब अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। डिंपल कपाड़िया सिर्फ कमर्शियल फिल्मों में ही नहीं बल्कि पैरेलल सिनेमा में भी नजर आईं। शेखर कपूर की दृष्टि को कौन भूल सकता है, इसमें इन्होंने कुछ बड़े ही हॉट और सेंसुअस सीन्स भी दिए थे। लेकिन रुदाली, अंतरीन, ये वो सारी फिल्में रहीं जिन्होंने साबित कर दिया कि डिंपल एक संपूर्ण अभिनेत्री हैं। अरे तू तो इतना छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, तू उसका बाप है, देखा? साले बाप बेटे दोनों के दोनों बेशरम। अरे ये उम्र बेटे को समझाने की है कि किसी की टांग पे ना चढ़े, उल्टा तू ही टांग पे चढ़ गया। चाहे इनसे डांस करवा लिया जाए या फिर इमोशनल सीन्स। चुप बोलना भी सीख गया है, इसीलिए गांव छोड़कर आया था, इसीलिए दुर्गा चाची और बड़का को रोता सिसकता छोड़कर आया था, इसीलिए। या फिर कॉमेडी जो कि फाइंडिंग फैनी में जबरदस्त तरीके से नजर आई। ये है हमारे प्यारे लाल जी, इनको निरोध से खानदानी विरोध है। टीवी, रेडियो, अखबार, पोस्टर सब निरोध का प्रचार करते हैं, मगर ये है कि सरकारी बात इनके समझ में नहीं आती। दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन, बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं। फरहान अख्तर की पहली फिल्म दिल चाहता है में भी इन्होंने बहुत ही अनोखा किरदार निभाया था और एक बार फिर साबित कर दिया था कि राज कपूर साहब ने इन्हें यूं ही नहीं चुन लिया था, इनकी प्रतिभा थी तभी ये बॉबी बनी थी। और कितनी परीक्षा लेना बाकी है, ईमानदारी की रोशनी ने, सच्चाई की जो ताकत उन्हें दी है, अगर उस पर जरा सा भी दाग लग गया तो दुनिया तेरी सच्चाई पर शक करने लगेगी। तुझे अपनी सच्चाई की रक्षा करनी है प्रभु, मेरे शंकर को वापस ले। अब तो डिंपल कपाड़िया नानी बन चुकी हैं और इनके पति राजेश खन्ना का देहांत हो चुका है, पर फिर भी डिंपल कपाड़िया फिल्मी पर्दे पे नजर आती रहती हैं और बड़े अलग किस्म की फिल्में करती हैं। लो इनकी सुनो, यहाँ पर सब यही समझते हैं कि जो इसको पता है वो किसी और को पता नहीं, बस यही दो हम लटक के सटक जाते हैं। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।